भाई को लग रहा है फुल कुछ ज्यादा हो गया है, लेकिन ये साफ हो जाएगा। कितने पीसेस कम से कम? चलो जितने भी होंगे देखा जाएगा। गरम है रोटी तो, और ये रोटी भी आ गई है। देखो यार, पहले लग रहा था जितना चिकन क्वांटिटी में था कि हम खा नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ देखो पूरा डोंगा साफ कर चुके हैं तीन जने मिलके बैठे बैठे और ढूंढते भाई भूख इतनी लगने लग गई थी, क्या बताएं। कहते सुबह से भूखे थे और हमें देखने में लग रहा था कि हम नहीं खा पाएंगे, तो विशाल लगी तो मुझे भी आंखें खुल गई थी एकदम से देख के। विशाल की तो आते ही आंखें खुल गई थी भाई कि भाई इतना सारा भैया कैसे खाएंगे, वही मैं सोच रहा था और वही अंकुल भी सोच रहा था भाई। वो कहावत है ना, अल्लाह मेहरबान तो करता है मेहरबान, वही हुआ अपने साथ। विशाल भाई कैसा लगा? अब तो भूख मिट गई है, अब तो खुश। ये देख हंसी देख, अब चेहरे की हंसी देख तू, अभी तो कुछ और भी है। अभी भाई ने मंगा लिया अब अपने लिए कबाब, अपने लिए हाँ अभी कबाब और मंगाए, कबाब और मंगाए हमारे लिए। दोस्तों चिकन कबाब आ चुके हैं और अब हम इसमें क्या निचोड़ेंगे? नींबू, नींबू वाला में बैठ के नींबू निचोड़ रहे हैं। हाँ भाई हमें नींबू वाला। हाँ आगे ये देखिए कैसा लग रहा है, देखिए अच्छा लग रहा है। मुँह में पानी किस चीज़ का आ रहा है? ये देखो किसी का आ रहा हो ना आ रहा, हमारे आ रहा है। कोई नहीं, मैं आराम से तड़पा के खिलाऊंगा। रुक जाओ एक सेकंड, इसमें फोकस करो। देखो जो मीट का जो जूस है वो कैसे नीचे आ रहा है, दिखाई दे रहा आपको? है ना, और ये देखो पीस देखो, आवाज पूरी फोटो लेना। तो भाई खाने के बाद मिलते हैं वरना ये दोनों सारा लपेट देंगे। इससे पहले एक बार विशाल कह रहा कुल भी वाला टेस्ट आ रहा है। विशाल आए हाय। हाँ तो भाई खाना खा लिया हमने और हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखो हमारा हीरो हैंडसम लग रहा है। तो भाई खाना खा लिया फाइनली, खाना टेस्टी था, पेट भर गया है और भर गया। ये बहुत जल्दी कम होने वाला भाई हो। तो देखो भाई हम निकलने वाले हैं और अमित भाई वीडियो कॉल पे, ये रे ये शक्ल नहीं दिखाना चाहते लेकिन हम ले लेते हैं इनकी शक्ल हमेशा। तो हम यहाँ से निकलने वाले हैं, अब विशाल बस नहा रहा है। विशाल नहा के निकले। विशाल कितना टाइम लगेगा? विशाल कपड़े पहन रहा है और हम यहाँ से निकलने वाले हैं। बैकपैक हो चुका है, हो गई तो, पैकिंग भाई हो गई पैकिंग कुछ भाई, हो गई भाई मैंने सारा सामान रख लिया। मेरा फोन और ये लीड है, फोन गया जेब में, सारा सामान बैग में हो गया है। और विशाल भाई तुम्हारा सेक्सी लॉन्डे, दो पानी की बोतल मैंने, दो तीन रख ली पानी की बोतल मैंने, ठीक है विशाल। अबे रुक जा यार, अभी ये देखो भाई ये बड़ा वाला मेरा बैग है और ये वाला भाई, तो भाई ये लिया था अंकुश का बैग है। मेरा बड़ा इसलिए क्योंकि विशाल के और मेरे कपड़े दोनों में एक ही मैं ना लिया था, तब भी वही लाते। हाँ मैं वही लेके चलता हूँ, वैसे तो लेवल बैग है वो अपना। तो फ्रेंड्स अब देहरादून को और होटल कौन सा था, ये सूर्या मायरा होटल मायरा को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया दोस्तों। बिल्कुल भाई ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अब आपसे बाद में बाहर निकल के यहाँ से, ठीक है। देखते हैं टैक्सी करते हैं, ऑटो करते हैं, ई रिक्शा जो मिल जाए ESBT तक के लिए, फिर वहाँ से बस में चलते हैं। तो भाई अब हम निकल चुके हैं यहाँ से, उतरेंगे नीचे फिर हम अपनी मंजिल के लिए। 8th फ्लोर कब से आ गया? बेसमेंट होगा ना विशाल भाई का, तो वाली सेट नहीं होते हमारे के।
तो चेकआउट करा रहे हैं भैया, ये सामने भैया जो खड़े हैं यहीं थे, रिसेप्शन पर रहते हैं यहीं पर, और होटल को करते हैं टाटा। विशाल भाई आराम से आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। थैंक यू भैया। होटल सूर्य, बाय बाय टू होटल सूर्य। तो भाई हम निकल चुके हैं और इनकी हरकतें चालू हो चुकी हैं दोनों की। देखिए ऑटो का वेट करते हुए हम, और ऑटो को यहाँ दिखाई दे रही है टैक्सी, ऑटो, शेयरिंग रिक्शा। भाई अब ऑटो देखते हैं, और कुछ नहीं मिला तो विशाल की पिट्टी पे बैठ के जाएंगे। नहीं, कंधे पे, एक कंधे पे, मैं एक कंधे पे निकल। देखिए मेन रोड पर आ गए अभी हम। ये उत्तराखंड पुलिस। तो भाई ऑटो तो दिखाई नहीं दिया यार यहाँ पे, तो हमने ऊबर का ऑटो किया है। कितने बोल रहा है इस बीटी के? 180, 181 रुपये ले रहा है यहाँ से, गड़ी कैंट से, राजेंद्र नगर से आई एस बी टी देहरादून जाने के लिए। और छः मिनट का वेट दिखा रहा है अभी, तो वेट कर रहे हैं अभी। अभी हम अपने होटल जहाँ पे रुके थे हम उसके पास ही, 100 मीटर भी दूर नहीं है उससे। तो ऑटो में बैठ चुके हम, लेकिन हम पूरी तरह से भी दिखाई नहीं दे रहे। फ्लैश आ गया, अभी दिखा, फ्लैश आ गया है। आगे हम जा रहे हैं आई एस बी टी के लिए। हमारे हमारे ये लाइट दादा, हाँ लाइट दादा ने लाइट लगा ली है मेरे मुँह तक। भाई क्या कहता है? तो भाई फाइनली अब आई एस बी टी पहुँचने वाले हैं हम, बस अब। तो भाई हम आई एस बी टी देहरादून पहुंच चुके हैं, अंदर जाएंगे और बस मिलने के लिए बस पकड़ेंगे। हाँ तो यार बस में तो बैठ गया आके, लेकिन अभी बस चलने में टाइम है, 10:15 की टाइमिंग है बस चलने की भी, तो वेट करना पड़ेगा हमको थोड़ा। रूट भाई लंबा वाला रूट पकड़ के जाएगी बस अपना, तो सुबह ही पहुँचेंगे हम, क्योंकि कावड़ियों की वजह से रोड डाइवर्ट हो रखे हैं, रूट पूरे डाइवर्ट कर रखे हैं। ये देखो दोनों प्राणी बाहर खड़े हुए हैं, अभी तक अंदर नहीं आ रहे हैं। ये बारिश पड़ रही है बाहर, लेकिन इनको वहीं खड़ा होना है। तो दोस्तों बस चुकी है निकल, और अभी स्लो है, बारिश भी आ रही है, और थोड़ी देर में बस पकड़ेगी स्पीड, और यहाँ है पुलिस चौकी। तो भाई बस ने पकड़ ली है स्पीड, और अब जो है दिल्ली दिखा रहा है यहाँ से 236 किलोमीटर। देखिए आपको दिखाई दे जाएगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर दिख रहा है तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शायद आपको दिख चुका है। अब बस अपनी अपनी स्पीड में अच्छी खासी बारिश हो रही है, बहुत धीरे धीरे, अच्छी लग रही है, ठंडी हवा चल रही है खिड़की से। तो ऐसे ही रास्ता काटना है, सुबह हो जाएगी पहुँचते पहुँचते, जहाँ तक मुझे लग रहा है अंदाजा है आने के टाइम से। दोस्तों 12:45 हो गए हैं, और अभी ढाबे पे गाड़ी रुकी है, तो मैं, अंकुश और विशाल
तीनों अभी सोच रहे थे चाय पीने का प्लान कर रहे थे, लेकिन ढाबा सेम वही पुराना वाला ही है। अरे भैया तुम्हें तो पुराना लग ही नहीं रहा था, तुम तो कह रहे थे दूसरे पे आ गए, हम कह रहे भैया हो जाता है कभी कभी नींद में धोखा रात में यार। तो दोस्तों मेरा तो यहाँ पे कुछ खाने का मन है नहीं सीरियसली, बाकी भाइयों के ओपिनियन ले लेते हैं। कुछ खाने का मन है तो देख लेंगे भाई, भूख लगी तो कुछ तो देखना पड़ेगा। और तुम गुरुदेव, तू तो बीच का बिच्छू है ना, वैसे भी खिलाएंगे तो खा लेगा, नहीं खिलाएंगे तो कोई बात ही नहीं। चाय की रहेगी मेरे घर, चलो भाई का भी चाय पीने का मन है। चलो चाय ही देख, चलो चाय ही देखते हैं अंदर चल के। होगी अंदर यार चाय तो देख ही नहीं है, मैं अंदर गया ही नहीं, होगी मेरा मन ही नहीं हो रहा इसमें जाने का। निकल भाई चाय ले रहे हैं, देखो चेहरे हमारे निकलो भाई चाय ले। सेल्फ सर्विस मैं डाल दो, रुको ये पकड़ो। तो यार बस रुकी हुई है और लोग रिफ्रेशमेंट्स ले रहे हैं। जहाँ पहले आई थी बस आते वक्त जहाँ रुकी थी वहीं पे दोबारा से रुकी है बस वापस जाते हुए। ये हमारी बस है, इस बस में हम आए थे। ओके दोस्तों तो आप सीधे ISBT पे मिलते हैं। करके उठाऊँ और अभी 12:30 हो रहे हैं, तो हम लोग आए थे सुबह 5:30 उत्तराखंड से। ओके और अब मुझे जाना है अपनी गाड़ी के सर्विस के लिए, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें अपना फेस रिवील कर दिया है, तो इसी तरह प्यार करते रहिए चैनल को और सब्सक्राइब करते रहिए। ओके सो पहले में बहुत कुछ धमाकेदार होने वाला है आगे, धीरे धीरे सरप्राइजिंग है आपके लिए बहुत कुछ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे हमारे साथ में बने रहिए। ओके गाइस तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच।